प्रदेश के नए उद्योग मंत्री के रूप में परसादी लाल मीणा ने सोमवार को अपना पदभार ग्रहण किया। सचिवालय मुख्य भवन में मीणा ने अपने ऑफिस पहुंचकर पूजा अर्चना की और पदभार ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास की गति में प्रदेश पिछड़ा हुआ है, जिसके लिए नई औद्योगिक नीति लाई जाएगी। हमारे संवाददाता दिनेश कसाना ने उनसे बातचीत की, आइए आपको दिखाते हैं। प्रदेश के नए उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा, जिन्होंने आज विधि विधान के साथ अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। परसादी लाल मीणा हमारे साथ हैं। सर, एक बड़ी चुनौती है उद्योग के रूप में विकसित करना, प्रदेश को किस तरह पूरी की? तो पिछली सरकार में उद्योग में कोई काम नहीं हुआ, उद्योग लगने में प्रचार बहुत किया, काम नहीं हुआ। और हम चाहते हैं कि हमारा जो संकल्प पत्र है उसमें नई औद्योगिक नीति बनाकर उसमें इस तरह की नीति बनाएंगे जिससे यहाँ पर उद्योग लगाने वालों को कोई कठिनाई ब्यूरोक्रेसी से या अन्य किसी भी क्षेत्र में कठिनाई नहीं आए। इस तरह की हम पॉलिसी बनाएंगे, उनको पूरी सुविधाएं देंगे, उनको आमंत्रित करेंगे और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगे। बाहर के जो प्रदेशों की जो औद्योगिक नीति है वहाँ पर किस तरह की नीति है उसको भी हम यहाँ पर लागू करेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग यहाँ पर लगे। नई औद्योगिक नीति आप लाएंगे, लेकिन क्या मानते हैं किस तरह की चुनौतियां जो निवेशकों के सामने आती हैं प्रदेश में और वो यहाँ निवेश नहीं कर पाते? मुझे मालूम है यहाँ पर जो सबसे बड़ी कठिनाई आती है टाइम बाउंड प्रोग्राम नहीं है। उद्योगी लगाने वालों को टाइम बाउंड प्रोग्राम देंगे, इतने दिन में काम का होना ही होना है, इतने दिन में ये होगा ही होगा। उनकी लोनिंग हो, चाहे उनका जमीन का मामला हो, चाहे और चीज़ें हो, और उनका जो भी हमारी तरफ से सुविधाएं हैं उनको टाइम बाउंड करेंगे। अधिकारियों को भी कहेंगे टाइम बाउंड नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और जो अधिकारी लापरवाह होंगे उनको निश्चित रूप से हम अलग कर देंगे। पार्टी का जो घोषणा पत्र आया उसमें रोजगार क्रिएशन की बात की गई, और ये रोजगार क्रिएशन उद्योगों के माध्यम से ही बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए क्या पॉलिसी होगी? नहीं, उसके लिए हमारी पॉलिसी है, पहले भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी सेंटर में, तो राजीव जी गांधी के समय हमने युवाओं को बहुत रोजगार देने के लिए लोनिंग देकर उनको काम धंधे पे लगाया था, रोजगार दिया था, छोटे काम दिए थे, वो सब हम करेंगे जिससे युवाओं को सबसे बड़ी आज समस्या है वो बेरोजगारी की है। सब नौकरियों की तरफ नहीं भगे, उद्योग लगाएं, उद्योगों की सुविधाएं देंगे, उनको कठिनाइयों को दूर करेंगे और उनसे बात करके कि किस तरह वो उद्योगों में सुविधाएं चाहते हैं वो सब उनकी इच्छा के अनुसार हम औद्योगिक नीति बनाएंगे। पिछली सरकार ने उद्योगों के विकास के लिए कार्यक्रम किया, रिसर्जेंट राजस्थान करोड़ों रुपए बर्बाद किए कहा जा सकता है, उसके माध्यम से कितना निवेश हुआ ये भी सबके सामने, आपकी सरकार इसके लिए क्या करेगी? नहीं, अगर वो पिछला सरकार का प्रोग्राम पिछली सरकार के साथ गया, हम नए सिरे से काम शुरू करेंगे, और जिनको जमीनें दे दी जिन्होंने उद्योग नहीं लगाए उनको एक टाइम देंगे, समय देंगे, कितने टाइम में या तो उद्योग लगाइए नहीं तो उनको जमीनें वापस हम ले लेंगे, दूसरे निवेशक जो वहां पर उद्योग लगाना चाहेंगे उनको देंगे। एक आपका रिफाइनरी प्रोजेक्ट है वो लंबित पड़ा है, वो पिछली सरकार ने जानबूझकर उसको लंबित किया है कि राजस्थान को इतना रेवेन्यू यहाँ पर मिलता जिससे यहाँ का राजस्थान का विकास होता, उन्होंने जानबूझकर उसको लटकाया। सबसे प्रायोरिटी पर हमारा वही है रिफाइनरी वाला कि हम उसको जल्दी शुरू करेंगे और उसको जल्दी करके हमारे कार्यकाल में उसको राजस्थान को रेवेन्यू मिले, राजस्थान के लोगों को रोजगार मिले, उसको निश्चित रूप से हम बहुत जल्दी उस पर काम शुरू करेंगे। माना जाए 2019 में प्रदेश औद्योगिक विकास की गति से दौड़ेगा? निश्चित रूप से दौड़ेगा, आपको कुछ ही दिनों में लगेगा हमारी औद्योगिक नीति आने के बाद यहाँ पर निवेशक अपने आप काम करने आएंगे, उनको सुविधाएं देंगे, दूसरे प्रदेशों में जैसी है उससे भी बेहतर सुविधाएं हम उनको देंगे। थैंक यू। तो ये थे परसादी लाल मीणा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्रदेश के लिए ऐसी औद्योगिक नीति बनाई जाएगी जिससे निवेशक आकर्षित हों और प्रदेश में औद्योगिक विकास किया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट विजय गिरी के साथ दिनेश कसाना, एवन न्यूज जयपुर।